Good morning, class 5. Today I will start our new topic in English grammar, chapter word formation. Word formation में include है prefix and suffix. Prefix का means होता है word formation topic में जो topic है वो है prefix and suffix. What do you understand by prefix and suffix? Prefix का mean pre का means होता है पहले. तो prefix में जैसे जो main जो word होता है उससे before कुछ ऐसे words होते हैं कुछ जैसे for the example behave एक word है. इससे पहले कुछ ऐसे word include होकर वर्ड मिलकर मिस प्लस बिहेव इसको हम ऐड करके जो वर्ड बनाएंगे मिस बिहेव. तो किसी वर्ड से बिफोर किसी मेन वर्ड से बिफोर जो वर्ड यूज होगा वो होता है प्रीफिक्स. तो यहाँ पे MIS मिस क्या हो गया प्रीफिक्स हो गया. एंड सफिक्स मीन जो किसी की किसी वर्ड के एंड में लगकर कोई न्यू वर्ड क्रिएट होता है न्यू वर्ड बनता है वो होते हैं सफिक्स. लाइक फॉर एग्जांपल प्योर एक वर्ड है. इससे बिफोर अगर हमने इम लगा दिया तो एक इम्प्योर प्योर का मतलब होता है प्योर. और उससे उसका अपोजिट क्या बन गया आई एम लगाने से वो इसका अपोजिट बन गया प्योर का अपोजिट इम्प्योर. तो इम यहाँ पे क्या होगा प्रीफिक्स क्योंकि ये किसी वर्ड के बिफोर मेन वर्ड के बिफोर ऐड हो रहा है. तो ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी मेन वर्ड से बिफोर लगकर उसके वर्ड में जो उसका मीन्स होता है उसमें ही चेंजेस ली आता है या उसका अपोजिट हो जाता है वो होते प्रीफिक्स. और जैसे इम्प्रिसाइज गाइड ये अभी सिर्फ इसके एग्जांपल है प्रीफिक्स के गाइड मिस गाइड misguide और balance तो उसका हो जाएगा imbalance patience I am add होकर impatience manage MIS mismanage miss और im लगकर ये word के means में क्या हो रहा है वो उसका opposite हो रहा है. manage जो किसी चीज को मैनेज करना मिसमैनेज उसका अपोजिट हो गया किसी चीज को मैनेज करके नहीं चलना. नेक्स्ट सफिक्स का मीन्स है जो किसी मेन वर्ड के लास्ट में कोई जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड है फ्रेंड एक वर्ड हो गया तो इसमें एल वाई एड होकर ये बन गया फ्रेंडली. तो एल वाई यहाँ पे क्या होगा सफिक्स ly क्या हो गया सफिक्स और उससे न्यू वर्ड्स क्रिएट हो गया फ्रेंडली. मंथ एक वर्ड है या वीक है उसके एंड में ly लगकर न्यू वर्ड लग गया मंथली. हेयर ly इज अ इन दिस वर्ड्स ly इज अ सफिक्स. तो जो किसी वर्ड के एंड में जुड़ते हैं या उसमें ऐड होते हैं वो होते हैं सफिक्स और जो किसी वर्ड से पहले लगते हैं मेन वर्ड से पहले लगते हैं तो वो होंगे प्रीफिक्स. तो आपको यहाँ पे जो एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगी उसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में कि या तो आपके जैसे कोई वर्ड्स गिवन होगा जैसे पेशेंस आपको दे दिया और उसमें आपको वर्ड ऐड करना है इम तो आप उसके एंड में ऐड नहीं करोगे पेशेंट्स के एंड में ऐड नहीं करोगे उसके स्टार्टिंग में क्या लगा दोगे जैसे
for the example beauty, beauty. तो अगर beauty में आप question में given है beauty में full लगाना है, beauty में full लगाना है, तो starting में full नहीं लगेगा, full beauty नहीं होगा, beauty end में लगाएंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसका suffix बनाना है या prefix, यानी आपको उसके starting में full add करना है या end में, तो beauty plus full beautiful, तो ये suffix बन रहा है इस तरीके से थे. और जैसे है मैच्योर, तो इसमें ऐड करना है आई एम इम, तो मैच्योर के एंड में इम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में इम लगेगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इम लगाएंगे, इम मैच्योर, तो ये बन गया प्रीफिक्स, जो स्टार्टिंग में ऐड होगा वो होगा प्रीफिक्स और जो एंड में लगेगा वो होगा सफिक्स. सो ईच स्टूडेंट read this topic. Thank you. Thank you.